नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए मटर मशरूम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है और ये बनने में बहुत आसान भी है। इसे हम एकदम सिंपल मसालों के साथ में बनाएंगे और बहुत ही आसान है बनने में और खाने में एकदम लाजवाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटर मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले हम मशरूम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी गरम लिया है, थोड़ा सा गरम पानी हमने लिया है और ये मशरूम लिए हैं। मशरूम इस तरह के पैकेट्स में मिलते हैं, तो ये करीब 250 ग्राम मशरूम है। तो सबसे पहले हम गरम पानी में मशरूम को थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ताकि उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी हो तो वो भी निकल जाए और हमारे मशरूम थोड़े से साफ़ हो जाए। उसके बाद इसको साफ़ पानी से धो करके हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो जब तक हमारे मशरूम इसमें रेस्ट करते हैं पानी में, तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 2-3 बड़े चम्मच तेल गरम किया है। तेल जैसे ही गरम हो जाता है, इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले हैं, जिसमें जीरा, इलायची, लौंग, काली मिर्च और एक तेज पत्ता लिया है। इसे अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही हमारे खड़े मसाले चटकने लगते हैं, यानी क्रैकल होने लगेंगे, तो मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको बारीक काट लिया है। तो प्याज डाल करके हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज भून रहा है, तब तक हम टमाटर वाला पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें 4 बड़े साइज के टमाटर चाहिए थे, बट यहाँ टमाटर काफी छोटे थे तो मैंने थोड़े से ज्यादा लिए हैं। तो 4 टमाटर आपको चाहिए, कुछ कलियां लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्चें। इन सबको पीस करके हमें इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। इस तरह का ब्राउन कलर ही हमें इसे देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो गोल्डन ब्राउन होने पे हमने जो टमाटर वाला पेस्ट रेडी किया है, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और हमेशा की तरह जैसे ही हम टमाटर डालेंगे, वैसे ही हमें इस पे नमक डाल देना है। तो मैंने स्वाद के अनुसार यहाँ नमक डाला है और नमक डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर के अच्छे से तेल छोड़ने तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटर है अच्छे से भुन चुका है। करीब 2-3 मिनट पहले इसको खुले में ही भुना है, ढका नहीं था, और हमारे टमाटर से अच्छे से तेल निकलने लगा है। तो बस हमारा टमाटर अच्छे से भुन चुका है, अब यहाँ मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ फ्रेश मटर लिए हैं, अगर आपको फ्रोज़न मटर मिले तो आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर लिया है, इसको हम अच्छे से अपने टमाटर के साथ में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, पानी डाल करके इस पर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर के करीब 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे, जब तक हमारे मटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। ये लीजिए फ्रेंड्स, करीब 2-3 मिनट हुए हैं और देखिए तेल ऊपर आने लगा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे मटर अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो बस हमारे मटर अच्छे से कुक हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अभी तक हमने मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ हमने नमक डाला था। तो यहाँ सूखे मसालों में मैं बस 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच से करीब से भी कम मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखी नहीं होती है, इससे हमारी सब्जी का कलर अच्छा आएगा। तो बस सूखे मसाले डाल करके हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस हमें इस पर यही मसाले यूज़ करने हैं, कोई और मसाला हम इस पर नहीं डालेंगे। देखिए, हमने अच्छे से मसाला मिक्स कर दिया है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब यहाँ 1 बाउल में मैंने 2 चम्मच मलाई और 2 चम्मच दही मिलाकर रखा है। आप चाहें तो पूरा दही भी डाल सकते हैं या पूरा मलाई भी डाल सकते हैं, बट मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ। तो मैंने 2 टेबल स्पून दही और 2 टेबल स्पून मलाई डालकर मिक्स कर लिया था, वो मिक्सचर हमने इसमें मिला दिया है। तो इसको एक बार अच्छे से पूरी सब्जी के साथ हम कंबाइन कर लेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, करीब 1 मिनट हमने भुना है और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊपर अच्छे से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। बस अभी इसी स्टेज पे हमने जो मशरूम कट करके रखे हैं, वो मशरूम हम इसमें डाल देंगे।
तो बस मशरूम डाल करके हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो, लेकिन फ्रेंड मशरूम ऑलरेडी काफ़ी पानी छोड़ते हैं तो इसलिए कम ही पानी डालें। तो मैंने 1/4 कप के करीब इसमें पानी डाला है, तो बस एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस लास्ट में मेरे दो फेवरेट मसाले यानी कसूरी मेथी, तो यहाँ हम थोड़ी सी कसूरी मेथी है उसको हाथों से क्रश करके डालेंगे और थोड़ा सा ही मैं गर्म मसाला डालूंगी। तो बस ये दोनों मसाले डाल करके इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बस फाइनली इसको ढक करके बिल्कुल धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक हम पकने देंगे। बीच में एक बार आप इसको खोल करके मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको वापस पकने दीजिएगा। करीब 3 मिनट पके हैं, हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो बस इस बस को अच्छा सा स्टर कर दें यानी मिक्स कर दें और इसको वापस से ढक करके हम 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी मटर मशरूम बनकर के रेडी हो चुकी है। करीब 7 से 8 मिनट हमने इसे धीमी आंच पे पकाया है। अभी मैं गैस बंद कर चुकी हूँ और देखिए कितनी अच्छे से ऊपर से तेल आ चुका है, कितना अच्छा कलर हमारी ग्रेवी का आया है। और फ्रेंड्स जितनी ये दिखने में टेस्टी लग रही है उतनी ही टेस्टी ये खाने में भी है। तो एक बार इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनने में भले सिंपल है, बिल्कुल सिंपल मसाले यूज़ किए हैं, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे ट्राई करें, आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए। थैंक यू।